गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम बात करने जा रहे हैं, ये बात क्या है, ये बात ये है कि अभी क्या हुआ था कुछ दिन पहले ही, अभी दो चार दिन पहले देश के प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं वो लक्षद्वीप गए थे। ठीक है, लक्षद्वीप गए। अब लक्षद्वीप जाने के बाद उन्होंने लक्षद्वीप के जो भी वहाँ पे आइलैंड प्लेसेस हैं वहाँ पे वो स्टे किए, रुके, उन्होंने लक्षद्वीप की अच्छाइयों के बारे में बताया और लोगों से कहा कि जो लोग मैरिज करते हैं और मैरिज के बाद कहीं घूमने जाते हैं तो फॉरेन को जाके वो सीधे इंडिया में लक्षद्वीप में आए, उसे फ़ायदा ये रहेगा कि इंडिया का पैसा इंडिया में रहेगा और उनको घूमने को भी मिल जाएगा और लक्षद्वीप बेटर है मालदीव से। ठीक है, ये बात आई क्यों? देखो, स्ट्रेटजी किस स्ट्रेटजी पे काम होता है, अगर स्ट्रेटजी सीखना है तो इन इन लोगों से आप सीख सकते हो। देखो, कुछ दिन पहले मालदीव्स क्या कर रहा था, मालदीव्स के जो राष्ट्रपति हैं वो एंटी इंडिया हैं। उन्होंने कहा था कि जो इंडियंस वहाँ पे रह रहे हैं उनको निकालो। कौन से इंडियंस? जो वहाँ पे रह रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उनको वीज़ा मिल गया है वहाँ का, मतलब मतलब कि रहने को हो गया है, वो वहाँ रह रहे हैं तो उनको निकालो। जो इंडियंस एज अ टूरिस्ट वहाँ जा रहे हैं उसको ना निकालो। क्यों? वो इंडियंस अलाउ करो और वहाँ के जो लोग रह रहे हैं वहाँ की जिनकी सिटीजनशिप हो गई उसको निकालो। क्यों कहा उन्होंने? अब वहाँ के मालदीव्स के लोग कहते हैं कि भैया बाहर के लोग आते हैं हमारे कंट्री की जॉब खाते हैं तो उनको निकाल दो। उन्होंने लोगों की बात कह दी लेकिन टूरिस्ट को नहीं कहा। मतलब देखो, वो फ़ायदा देख रहे हैं, टूरिस्ट को क्यों नहीं कहा? 1.5 लाख से 2 लाख लोग पर ईयर जाते हैं मालदीव्स में घूमने, पैसा खर्च करते हैं, वहाँ की इकॉनमी में पैसा डालते हैं, वहाँ की इकॉनमी बूम होती है इसी वजह से। ठीक है, तो उन्होंने ये नहीं कहा। अब क्या हुआ कि इस बात को तोड़ने के लिए मोदी जी ने ये किया कि लक्षद्वीप मालदीव से बढ़िया है। तो इनिशियली तो बुराई की गई कि लक्षद्वीप इतना बढ़िया हो ही नहीं सकता ये वो, लेकिन अब मालदीव से खुद प्रेसिडेंट लाइन पर आ गए हैं, वो कह रहे हैं कि भैया हमसे गलती हो गई आप। और इस केवल मोदी जी की स्टेटमेंट से कई सारे हजारों की तादाद में जो लोग अपना टिकट कर चुके थे मालदीव्स का, उन्होंने कैंसिल करा दिया। अब ये देख के इनकी हालत ख़राब हो गई। क्यों? देखो, एक अगर टूरिस्ट जाता है वहाँ पे तो टूरिज़्म से कितना फ़ायदा होता है। टूरिस्ट वहाँ गया, होटल लिया, चलेगा तो कोई वाहन से चलेगा, होटल का खर्चा चल रहा है, वाहन का खर्चा चल रहा है, कहीं खाएगा उसका खर्चा चल रहा है, ठीक है, कहीं घूम रहा है वहाँ पे पैसे आ रहे हैं, तो पूरी पूरी इकॉनमी मूव करती है टूरिज़्म से। ठीक है, पूरी इकॉनमी मूव करती है टूरिज़्म से, तो ये बेनिफिट होता है किसी भी कंट्री में टूरिस्ट के आने से। अब इनकी हो गई हालत ख़राब, अभी लाइन पे आ गए हैं। लाइन पे आने के बाद अब इन्होंने ट्वीट डालना चालू कर दिया है कि हमसे गलती हो गई है। तो ये मैं बस ये वीडियो का ये मकसद था कि यार आप किसी चीज़ को कितने प्यार से हैंडल कर सकते हो। ये मोदी जी और उनकी सरकार में जो बड़े बड़े पोस्ट पे लोग हैं जो सीक्रेट टॉक्स करते हैं और ये रिजल्ट निकालते हैं, उनसे सीखा जा सकता है कि देखो, उन्होंने इंडिया को हटाओ का नारा दिया, इंडियंस को हटाओ, और यही इंडियंस अपनी कंट्री, बस उन्होंने एक गेम खेल दिया कि भैया आप बाहर जाओ ही नहीं, इंडिया में रहो, हालत ख़राब हो गई कंट्री की। तो ये बेस्ट स्ट्रेटजी है, मतलब सीखी जा सकती है इस स्ट्रेटजी को।